बीदर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस से किसी अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों से उठ रही है। लोगों की मांग है कि बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस अगर किसी अल्पसंख्यक मुस्लिम को टिकट देती है तो उसको समुदाय का पूरा समर्थन देकर जिताएगा। बीदर लोकसभा क्षेत्र से 3 मुस्लिम कांग्रेस टिकट के दावेदार हैं, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अयास खान, अब्दुल मन्नान सेठ और डॉक्टर मकसूद चंदा हैं। लोगों का मानना है कि डॉक्टर मोहम्मद अयास खान 2019 में सबसे पहले टिकट की मांग की थी और बीदर से अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग कांग्रेस में रखी थी, तो ऐसे में अब डॉक्टर मोहम्मद अयास खान का हक पहले बनता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर डॉक्टर मोहम्मद अयास खान को टिकट दिया जाता है तो उनकी जीत निश्चित है। इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं ने केपी न्यूज से बात कर अपनी राय रखी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद खैरुद्दीन, एक्सटीपी मेंबर चुलगुप्पा। मेरी जानिब से यहाँ के कर्नाटक यानी के कल्याणी कर्नाटक में यहाँ से अगर मुस्लिम को अगर टिकट देते हैं कांग्रेस वाले, इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होंगे। और मेरी एक ही नहीं है राय, यहाँ पे पूरे हमारे क्या बोलो तो ज़िले की राय है कि हमारे ज़मीर साहब कोशिश करके है ना टिकट दिलाए हमारे अयास खान साहब को, जैसे हमारे मोहम्मद रहीम खान साहब, एक्स रहीम खान साहब मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक, उन्हीं से हमारी अमदन गुजारिश है आप भी पहल करके अयास खान साहब को टिकट दिला के है ना कोशिश करके कामयाब करेंगे। आप टिकट दिलाइए, जिताने का क्या काम है ना हम लोगों के ऊपर छोड़िए, इंशाल्लाह बराबर है ना उनकी कामयाबी हासिल होंगी उनको। अब के 2023 में जो इलेक्शन हुआ असम्बली का, हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी 88% वोट दे के कर्नाटक में गवर्नमेंट बनाए। अब उसी के सिलसिले में हमको उसी का फल चाहिए कि कर्नाटक में हमारे कल्याणी कर्नाटक में अयास खान साहब को टिकट दे के हम जिताएंगे। हम उम्मीद करते हैं आप टिकट देंगे, इंशाल्लाह कामयाबी उनके कदम चूम लेंगे। अब क्योंकि हमारे साथ मोहम्मद मेराज नागन खेरेकर भी हैं, तो हम उनसे भी उनकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो इलाका है हुमनाबाद, ये जो है एक हाईवे पे है और मन्नाखेली और इस पे जुड़े हुए दीगर जो हैं ये बॉम्बे हैदराबाद बॉम्बे हाईवे पे है और यहाँ पे कई छोटे मोटे गांव हैं जो अलग अलग भाषा और अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो उनकी क्या राय है सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए राय बोलने का क्या है, दो आने वाले 2024 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है इसमें बीदर डिस्ट्रिक्ट से एक मुसलमान को टिकट देने का हमारा जो मुतालबा है वो इसी वजह से, जैसा कि खैरुद्दीन साहब अभी बोले, 2023 में जो असम्बली इंतखाबात में मुस्लिम 88% कांग्रेस को वोट देके इख्तदार पे लाई, ये तो पूरा स्टेट जानता। फिर पिछले दिनों में जैसा कि गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी जब जर्नल था वहाँ से 3 बार एक माइनॉरिटी कैंडिडेट जीते, 2 अलग अलग, जब वो रिजोर हो गया तो बीदर डिस्ट्रिक्ट जो रिजोर था यहाँ पे जर्नल हुआ, जब गुलबर्गा जर्नल हुआ तो रिजोर हुआ तो वहाँ पे एससी कैंडिडेट को दिए, जब बीदर जर्नल हुआ तो यहाँ से वहाँ का जो माइनॉरिटी को टिकट देते थे यहाँ बीदर को देना था, नहीं दिए। एक क्या है, एक्स सीएम आए धर्म सिंह साहब बोल के, पूरे ज़िले के लोग उनको एक बार जिताए, दूसरी बार भी उनको वोट दिए हम लोग, मगर वो नाकाम हो गए कुछ वजह से। अब अयास खान साहब पिछले लास्ट एमपी इलेक्शन के वास्ते एमपी टिकट के वास्ते में पार्टी को गुजारिश करे थे, जब भी नहीं दिए, ईश्वर खंडे साहब को दिए। अब हमारा मुतालबा ये है, अब फिलहाल स्टेट में कांग्रेस की सरकार है और बीदर डिस्ट्रिक्ट से अयास खान साहब एक एलिजिबल कैंडिडेट है और इंशाल्लाह वो ज़रूर जीतेंगे। जितने तालुका हैं यहाँ बीदर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुक़े से अयास खान साहब को टिकट देने का मुतालबा चल रहा और हमारा भी मुतालबा है, चाहे खरगे साहब हो पार्टी के ऑल इंडिया सदर, या स्टेट में डी के शिवकुमार हो पार्टी के सदर, और दूसरे कई दिगर लीडर्स है जो टिकट देने में दिलाने में अहम रोल अदा करते। हमारी गुजारिश है बीदर ज़िले से अयास खान साहब को एमपी का टिकट दीजिए, हम मेहनत करेंगे पूरे ज़िले में, इंशाल्लाह उनको कामयाब बनाएंगे।